अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी सैंडविच की रेसिपी, जो मैं 3 लेयर में बनाऊँगी। इसीलिए मैंने इसको मल्टी लेयर सैंडविच का नाम दिया है, हेल्दी मल्टी लेयर सैंडविच। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है और नॉर्मल भी खा सकते हैं। इसको सुबह नाश्ते में, दोपहर लंच में और रात डिनर में भी ले सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। चलिए तो इस मज़ेदार से हेल्दी वेट लॉस मल्टी लेयर सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। मिला तो ग्रिल्ड हेल्दी सैंडविच बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे चिकन लिया है। ये मैंने बोनलेस ब्रेस्ट लिया है चिकन का, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने लिया है 300 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी गर्म मसाला, ज़रूरत के हिसाब से नमक, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हॉट सॉस और 1/4 चम्मच मिक्स हर्ब। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी पूरे 1/2 घंटे के लिए, या बाहर ही छोड़ सकते हैं। मिल्ला तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसमें। मैं इसे गर्म होने दूँगी। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। और इसे पका लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे, जल्दी ही पक जाता है। हमें इसे लगातार चलाते हुए कलर चेंज होने तक पकाना है। अब मैं इसे ढक दूँगी और आँच हल्की करके पूरे 5 मिनट तक मैं इसे पकने दूँगी। 5 मिनट बाद चिकन एकदम तैयार है। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ये गल चुका है अच्छी तरह से। और अब मैं सैंडविच बनाऊँगी। हम सैंडविच बनाने स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ले ली है कुछ सैलेड और ये अंडे के पीसेस, ग्रीन चटनी और थोड़ी सी हॉट सॉस, कुछ ग्रीन सलाद और ये 12 पीस ब्रेड। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, जो ब्रान के साथ आती है वो वाली। एक ब्रेड का स्लाइस मैंने ले लिया है। तो मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाऊंगी। थोड़ी प्याज रखूंगी इसके ऊपर, गोभी, टमाटर के टुकड़े, खीरे के टुकड़े है तो सबसे पहले खीरे के टुकड़े भी रख सकते हैं। थोड़ी सी हॉट सॉस डाल दूंगी और ये पत्ते भी रख दूंगी इस पे। ग्रीन चटनी डाल दूंगी इसके ऊपर, फिर से ब्रेड रख दूंगी और इसके ऊपर मैं फिर से ये चटनी लगा लूंगी। ये ग्रिल किया हुआ चिकन रख दूंगी, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें थोड़ी सी हॉट सॉस डाल दूंगी और इसमें लो फैट चीज स्लाइस रख दूंगी। एक और ब्रेड लूंगी और उस पर मैं थोड़ी ग्रीन चटनी लगा लूंगी, इस तरह से उल्टा रख दूंगी। और दूसरी साइड से भी मैं थोड़ी सी इसमें ग्रीन चटनी लगा लूंगी। ये दही के साथ वाली ग्रीन चटनी है। और अब मैं इसके ऊपर अंडे के टुकड़े रख दूंगी।
थोड़ी सी हॉट सॉस डाल दूंगी, कुछ पत्ते रख दूंगी इसके ऊपर फिर से, और अब मैं एक और स्लाइस लेके उस पर ये लगा दूंगी दही की चटनी। और ये इसको इस तरह रख दूंगी और प्रेस कर दूंगी। मैं इसको सेक नहीं रही हूँ, आप चाहे तो सेक सकते हैं या टोस्टर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। पहले आप ब्रेड टोस्ट कर लें उसके बाद फिर लेयरिंग करें। एक सैंडविच हमारा अच्छी तरह से तैयार है, मैं बाकी के भी इसी तरह बना लूँगी। सैंडविच मैंने रेडी कर लिए हैं, मैंने इस तरह के 3 सैंडविच बनाए हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी, एहतियात से कट करना है इसे। मैंने कट कर लिए हैं, देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।